तो राम राम सारे भाइयों ने, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं मोहित राठी, उम्मीद करता हूँ आप लोग मौज में होंगे। भाई अपने फुल काचे कट रहे, तो भाई आज अपने सामने खड़ी है स्कोडा की तरफ से आने वाली सुपर्ब। नाम भी सुपर्ब और गाड़ी भी सुपर्ब भाई, सब में बहुत गजब गाड़ी है भाई। ये है पेट्रोल वर्जन, टॉप एंड वेरियंट है भाई, ये इससे ऊपर नहीं आता कोई सा भी। ये मिलता भाई हमको 2000 सीसी इंजन मिलता है इसमें, जो प्रोड्यूस करता है 178 bhp और 350 nm का टॉर्क। तो भाई देख सकते हो आप, वो कराउंड दिखा दे थोड़ा गाड़ी का, ये देख सको भाई, अलॉय व्हील्स देख लो। इसमें भाई हमको मिशलिन के अपने टायर्स मिलते हैं, जिसकी टायर प्रोफाइल भाई हमको मिलती है 225/55 R17। तो भाई थोड़ा आवाज़ को इग्नोर करना, हल्का सा कोल्ड हो रखा है। 17 inch के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, इस टाइप के अपने कुछ भाई DRLs मिलती है, देख सकते हो आप, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम, ये देखो आगे भाई पूरा अपना LED का सेटअप मिलता है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, नीचे फोक लैम्प भी हमको भाई इसमें LED मिलते हैं। इस टाइप की अपनी कुछ ग्रिल मिलती है, थोड़ी BMW से इंस्पायर्ड है, मतलब BMW टाइप है, थोड़ी जर्मन कार है भाई मेनली बात, या जर्मन कार है तो एक दूसरे से थोड़ी सी लिंकअप मिलती है। फ्रेमलेस हमको भाई अपने वाइपर्स मिलते हैं, और भाई देख सकते हो इस टाइप की भाई अपने कुछ बैक लुक मिलती है इसमें, देख सो लाइट क्या जब लगती है भाई साहब। ब्राइटनेस कम करके दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा ना, ब्राइटनेस कम, ये देखना आप, ये देखो लुक की आर पार आ रही है भाई। भाई अब चलते गाड़ी के अंदर सीधा, इस टाइप की अपने कुछ भाई की मिलती है, लॉक अनलॉक एंड उन्होंने बूट खोलने का करता भाई इसको ओपन। हमने ऑटो ORBM फोल्ड हमको मिलते हैं इसमें, ओपन मिलते हैं सनरूफ के साथ, शार्कफिन एंटीना, वाइट कलर, प्रीमियम बैच, प्रीमियम जिसे कहते हैं ना, प्रीमियम कार है भाई ये बिल्कुल, देखो आप, नाइस। चले भाई अंदर, टोर काफ़ी हैवी मिलता है क्योंकि भाई स्कोडा है भाई, तो मिलेंगे आपको इस टाइप के भाई। ओ ये करो भाई बंद, क्या कर रहे हो, बंद ना हो रहे हो क्या? हाँ हाँ मेरे को खींचना है बहुत। तो भाई अब गाड़ी को करते हैं एक बार स्टार्ट। स्टार्ट स्टॉप का वो वैसे भी देख सकते हो तो आप, ज़्यादातर यहाँ पर मिलता है अपना इंजन स्टार्ट स्टॉप का, पर इसमें भाई जहाँ चाबी लगती है वहीं पर है भाई। इस टाइप का अपना कुछ इंटीरियर मिलता है, मतलब प्रीमियम जो क्लास है कहते हैं ना भाई इसको। अगर आपके पास इतना BMW मर्सिडीज लेने का बजट नहीं है, आपको चाहिए सिडैन गाड़ी 23-24 lakh में, गो फॉर सुपर्ब, आँख बंद करके ले लो, बहुत प्रीमियम गाड़ी आप देख सकते हो भाई, सब घी कर लो। देखा आप, थोड़ा सा बता देते हैं भाई, इस टाइप का अपना इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है, 8000 rpm तक अपना RPM मीटर मिलता है, यहाँ पर मिलता है भाई 260 की टॉप स्पीड विदाउट नो डाउट भाई, 200 तक तो और 210-220 तक तो आराम से जाती होगी ये भाई, बिल्कुल जाती होगी भाई। ये स्कोडा जर्मन कार है ब्रो, इनको इनका मजा है बैठ के चलाने में, ड्राइविंग एक्सपीरियंस इनका, ड्राइविंग प्लेजर वो है मेन भाई। हाँ बोलो ना, बोल लो। हाँ भाई ले एक बार दोबारा करिए भाई, भाई ड्राइविंग एक्सपीरियंस, ड्राइविंग प्लेजर दोबारा करो ऐसे ही, ड्राइविंग ऐसे एक्सपीरियंस, ड्राइविंग प्लेजर जो मिलता है ना भाई गाड़ी चलाने में भाई, वो नहीं दे सकती और कोई सी भी गाड़ी जर्मन कार जैसे नहीं दे सकती भाई बिल्कुल भी। ओके सर, क्योंकि भाई हम भी पोलो चलाते हैं, अच्छा तो जर्मन है तो आपको क्या ही पता वैसे। ठीक है ओके भाई, ये अपने बीच में मिलती है अपनी छोटी सी LED स्क्रीन, जिसके अंदर भाई ये डिस्टेंस किलोमीटर कितनी चली हुई, बस 8848 किलोमीटर चली हुई है भाई ये गाड़ी, देख लो भाई मजाक कर रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म भाई, ये जो स्टार्ट हुई थी ना लास्ट ट्रिप हमारी हुई थी वो है भाई, ये किलोमीटर ड्राइव है ठीक है, 64,265 किलोमीटर ठीक है। और भाई और देखते हैं अब क्या मिलता है इसमें भाई, ये डिस्टेंस एवरेज स्पीड भाई 14 किलोमीटर की रही है इसकी स्पीड अभी फिलहाल, ये वार्निंग एट भाई ये सब अपना वो है, ऑयल टेम्परेचर भाई इसमें मिलता है, और बताओ कंजप्शन, ये एवरेज कंजप्शन भाई कितना पी रही है तेल एवरेज इसका, रेंज अभी 75 किलोमीटर की बची हुई है भाई इसकी, उसके बाद ट्रैवलिंग टाइम भाई इतना दे, उसके बाद फट जाएगी भाई, तेल खत्म हो जाएगा उसके बाद, फट जाएगी कह रहा।
भाई इस तरफ अपने माउंट्स में मिलता है भाई इसके अपने एलईडी स्क्रीन से अपने जो इसके अंदर है जो छोटा सा इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की उसको कंट्रोल करने के। यहाँ पर भाई ये अपना मिलता है इसका अलार्म है ना जो ये छोटा सा एक मिनट फोकस हो जा हाँ भाई ये सेंसर्स का है अपना बटन भाई ठीक है ये कॉल पिक करने का। यहाँ पर मिलता है भाई अपने पैडल शिफ्टर्स क्योंकि भाई गाड़ी है ऑटोमेटिक पैडल शिफ्टर देख रहे हैं कितने छोटे से और ये देखो टिन्ने से पता भी नहीं चलेगा किसी को पैडल शिफ्टर मिलते हैं भाई। यहाँ पर इस तरफ भाई मिलता है अपना यार ये देखना इसके ये कितने प्रीमियम लग रहे हैं ये इसके वाइप जो अपना मोड से आता है वाइपर के लाइट छोटे है ना बिस्किट से छोटे छोटे गजब लग रहे हैं भाई साहब। इस तरफ भाई मिलता है हमको इसके वो ये उल्टा साइड मिलता है इस तरफ मिलता है हमको इसमें भाई डिपर और अपने लाइट्स के कंट्रोल्स और क्रूज कंट्रोल सेट करने के लिए यहाँ से सेम पोलो वाला स्टाफ थोड़ा सा ये देख सकते हो इसकी लाइट दिखा देते हैं एक बार आपको गजब है भाई लाइट तो बहुत प्यारी है इसकी। और यहाँ इस तरफ ही भाई यहाँ पर मिलते हैं इसके वाइपर्स के कंट्रोल्स ऑटोमेटिक रेन वाइपर मिलता है हमको भाई इसमें यहाँ से अपनी अपनी लाइट ऑन ऑफ कर सकते हो अपने डी आर एल वो सब यहाँ पर मिलता है भाई इसके आर बी एम्स के कंट्रोल्स अपने चार रो पावर विंडोज मिलती है भाई इसमें ये लॉक करने के लिए और कुछ नहीं है भाई इनको यहाँ अगर ये लेदर में और सॉफ्ट टच दे देते ना थोड़ा सा मज़ा आ जाता था पर ये इतना हार्ड भी नहीं है सॉफ्ट है पर इतना सॉफ्ट नहीं है ना ये भी अपना भाई पूरा सॉफ्ट टच मिलता है। यहाँ पर भाई अपनी पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है ये देख सकते हो बिल्कुल स्लीक डिज़ाइन देख सकते हो बिल्कुल प्यारा कोई अलग से वो नहीं आराम से यहाँ से खोलो लॉक वॉक करने का कोई सिस्टम नहीं मिलता इधर। और एक बात बताओ भाई कितने स्पीकर मिल रहे हैं एक दरवाजे में भाई एक दो तीन, ये तीन और चौथा ट्विटर देख लो भाई कोई बाहर से काम नहीं स्टोक एक दो तीन एंड चौथा ट्विटर ठीक है भाई। और भाई एक और बात स्पेशल एडिशन है स्पेशल एडिशन है भाई ये लॉरेन एंड हेमंत कर रहे भाई लॉरेन एंड हेमंत ने एक बार भाइयों को दिखाएगा देखो भाई भाई हम जैसे आए ना यहाँ पर हमारा दिमाग हमने जैसे पढ़ा सबसे पहले इसके ऊपर लॉरेन एंड हेमंत हमने इसको पढ़ा लॉरेन एंड हेमंत हमने नहीं भाई तूने पढ़ा ये मैं तेरे पास पैसा रहा था लॉरेन एंड लेटमैन है भाई वो अपना स्पेशल एडिशन है ये स्पेशल एडिशन मतलब इसमें उनके स्पीकर्स उनके कंपोनेंट्स हैं जो उसके वो लगे हुए हैं नेक्स्ट लेवल ऑडियो क्लियरिटी नेक्स्ट लेवल बेस नेक्स्ट लेवल ट्रैप हर चीज़ बहुत प्यारी है भाई इस गाने का आपको सुनाएंगे साउंड क्वालिटी भी। उससे पहले थोड़ा सा अंदर का और जानकारी दे देते हैं आपको जैसे कि अपने भाई यहाँ पर मिलता है अपना इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर कह रहा हूँ भाई स्टीरियो इस टाइप का अपना स्टीरियो मिलता है यहाँ पर जाएंगे हमारे कारण मीडिया भी अच्छा मीडिया भी यही है टच स्क्रीन मिलता है भाई क्या देख सकते हो आप बहुत प्यारा है यार कोई लैक नहीं है नेविगेशन पर जाएंगे तो ये देखो भाई गजब यार ठीक है ये ट्रैफिक नो मैसेज है अपने भाई कार के बारे में थोड़ा सा ग्रीन सोर्स ये सब बताता है अपना ये देख सकते हो आप सिलेक्शन मीडिया सेटिंग्स ये सब है भाई बकवास बहुत गजब सिस्टम मिलते हैं ये देख और भाई कोई लैक नहीं है गाड़ी में ये देख सकते हो इसमें स्टीरियो में कितना ही घुमा लो कैसे ही घुमा लो कोई लैक है ही नहीं। व्हीकल के बारे में भाई जो आपको जो चाहिए वो सब मिलता है नीचे मिलता है भाई अपने ड्यूअल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है क्लाइमेट इधर आता ठीक है भाई अपने चला लियो मेरे के हाथ बदला आती हूँ ठीक है भाई। और वेंटिलेटेड सीट्स जो मैंने कर दिया है ओन और आपके भी कर दें ओन ये लो भैया ओन आए मुझे भाई ये बहुत ही बढ़िया फीचर है भाई भाई गर्मियों में सबसे बेस्ट फीचर है वेंटिलेटेड सीट्स का जो पसीने में भीग जाती है ना बुरसट वो नहीं भीगेगी और मज़े से चलो भाई बिल्कुल भाई आनंद आ रहे हैं ना मैं सो जाऊंगा थोड़ी देर में लस्सी और पी अभी बंद कर दो इसको तेरों भी बंद करूंगा भाई तेरों भी बंद करूंगा ले ठीक है कभी तू सो जा। और भाई DSG अपना इसमें ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक अपना गियरबॉक्स जो मिलता है DSG की तरफ से मिलता है देख सकते हो यहाँ पर अपने भाई मोड्स मिलते हैं इसके इस तरह मिलता है अपने पार्किंग असिस्ट और बूट ओपन करने का यहाँ पर अपना भाई ये हैंड ब्रेक पार्किंग ये अलार्म अलर्ट ये लॉक करने के लिए अपना ये खिड़की लॉक हो चुकी है भाई अब
यहाँ पर मिलता है अपने दो कप होल्डर्स, तीन कप होल्डर्स, वैसे तो आएंगे तो दो ही आएंगे, पर इन्होंने शेप ऐसा दिया जैसे लग रहा है तीन होंगे। यहाँ पर मिलता है अपना थोड़ा सा थोड़ी सी और स्टोरेज, बंद कर पहले बंद कर रहा है, थोड़ा सा मर्सिडीज जैसे दिखने वाला जो होता है ऐसे ऊपर। यहाँ पर भाई मिलता है अपना फोन रखने के लिए वायरलेस फोन चार्जर मिलता है, ये अपना भाई 12 वोल्ट का वही सॉकेट मिलता है, ऑक्सेट यूएसबी लगाने के लिए आप लगाना चाहो तो। एसी भाई सब नेक्स्ट लेवल है यार, गाड़ी का हर चीज। अरे रुक जा यार भाई, ग्लव बॉक्स ओपन करते हैं यहाँ से स्लोली एंड स्मूथ, क्या बात है। ठीक है जी, अंदर भाई एसडी कार्ड्स के ऑप्शन मिल रहे हैं यार, कोई सी गाड़ी नहीं देती भाई एसडी कार्ड ओपन करने, एसडी कार्ड्स का ऑप्शन, वो भी कूलेंट मिलता है, कूलेंट ग्लव बॉक्स है भाई अपना। और यहाँ पर मिलता है भाई इसके एक और थोड़ा सा अपना अमेरिका भाई अपना सनरूफ जो काफी वाइड मिलता है भाई। गर्मी हो रही क्यों खोल रहे हैं इसे, बढ़िया मजे आ रहे हैं समझ गए ना, बढ़िया चोड़ हुआ है मजेदार। तो भाई एक बार पीछे चले, हाँ गाड़ी करते हैं बंद भाई अपने, इसमें भाई ये देख सकते हो मेमोरी सीट मिलती है भाई हमको, एक दो तीन इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट मिलती है, इलेक्ट्रिक में जो मजा है वो तो मजा ही है। चलो भाई पीछे चलते हैं। अच्छा एम्बियंस लाइटिंग के साथ मिलती है देख सकते हो आप ये, और ओवर एम्बियंस लाइटिंग नहीं कि दरवाजों में पेल दी, यहाँ भी पेल दी, वहां भी पेल दी, हर जगह करती, नहीं सिंपल स्लिक यहाँ से स्टार्ट उतनी और यहाँ से शुरू वहां खत्म, बिल्कुल बस ये नहीं है कि ये यहाँ भी दे देंगे भाई हम तो, और यहाँ भी चसाएंगे, यहाँ भी चसाएंगे ना यार, वो छपरी वाली लगे है ये अपना सिंपल क्लास वाली ये होती है। तो ये देख सकते हैं भाई अपना ओपन किया जब करते हैं तो हमको रेयर उसके लिए रोकने के लिए भाई लाइट्स मिलती है, देख सकते सनरूफ हमने हल्का सा खोला हुआ है, चलते भाई पीछे की तरफ। और भाई ओहो हो सिटिंग स्पेस, अरे वाह क्या बात, जो सिटिंग स्पेस प्रोवाइड हुई है ना, जो लेग रूम है जो भाई गजब यार, देख सकते हो भाई ये देखो भाई गैप, और बढ़िया एडजस्ट है मेरे हिसाब से भाई, तो और वो भाई के ये देखो ये 6 फुट 2 इंच या हम यही मारी तो लेके घूमू मैं यार, तुम क्या सोचो स्पेस स्पेस यही थी चेक करवाऊ मैं 6 फुट 2 इंच से, ठीक है। आई लाइक अ रूलर टू दिस मैन, आया मजा, यस मजा, ये मजेदार है, तीसरा बंदा एक टांग इधर एक टांग उधर, अरे सही तो है ऐसे बैठो, ऐसे टांग खोल के बैठना पड़ेगी यार, पर थोड़ा सा बढ़िया है, पर वही है जो इसको ले रहा है ठीक है, जो अपना 23-24 लाख को क्या ले रहा है भाई। यहाँ पर मिलता है भाई अपना एस्ट्रे एंड 1200 वोल्ट का सॉकेट, और यहाँ पर इसको आप लाइटर भी यूज कर सकते हैं, पीछे मिलता है भाई एसी वेंट्स अपने रेयर जो कंट्रोल कर सकते हैं भाई, यहाँ से हम टेम्परेचर भी इसका और विंड स्पीड भी। और भाई एक और बात, पीछे से बैठे बैठे भी मैं उसकी सीट को एडजस्ट कर सकता हूँ, ये देखो फीचर तो है भाई, भाई फीचर आर पार फीचर है यार, और फैल के हिसाब से ना इसकी प्राइसिंग के हिसाब से बहुत हर जगह लोरेन एंड हेमंत की बैजिंग लोरेन एंड हेमंत की बैजिंग है भाई। इसको करो भाई ओपन, बहुत टाइट है भाई ऐसे, इसको लगा लो क्या, हाँ अभी खुला है, हाँ ना 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 क्या करना चाह रहा, क्या करना चाह रहा, तो रखो ये खुला गो खुला गो खुला गो, ये भी खुलेगा, और यहाँ पर अपना डिग्गी है सीधा यहीं से सही, अपना सामान उमान कुछ छोटा मोटा जो आ सकता है, तो बोतल का डो आदमी कोल्ड ड्रिंक की डिग्गी में कौन रखा है कोल्ड ड्रिंक बोतल, समय पर जेन्युइन बूट स्पेस ब्रो दिखाएंगे भाई, बूट स्पेस